हाय फैमिली, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल में जो वीडियो अपलोड करते हो उसका कमेंट बॉक्स ऑफ हो जाता है, उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि उसको आप टर्न ऑन किस तरह से कर सकते हो। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो में, क्योंकि जब आपका वीडियो कोई देखता है तो होता क्या है कि वो लोग कमेंट करता है, उससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो वीडियो वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, आदमी लोग को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके सब्सक्राइबर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारे लोग आपके YouTube चैनल में वीडियो देखते हैं, ठीक है, उसमें कमेंट करते हैं जैसे कि नाइस वीडियो, ऑसम वीडियो, अच्छा यूजफुल वीडियो, इस तरह से कमेंट आता होगा। बट दोस्तों, किसी किसी वीडियो में देखते होंगे कि टर्न ऑफ करके आ जाता है, ताकि कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी आपके सब्सक्राइबर आते हैं तो कमेंट नहीं कर पाते, तो उसी को मैं आज आप सभी को ऑन करने के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको दो स्टेप बताने वाला हूं जिससे आप अपने YouTube चैनल का वीडियो में जो अपलोड करते हो उसका कमेंट बॉक्स को इनेबल कर सकते हो। तो मैं आपको दो स्टेप बताने वाला दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रद्युमन कुमार गोसाई, आप देख रहे हैं प्रद्युमन टेक YT चैनल। तो दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ अगर आप चैनल में न्यू आएंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, तो वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा दोस्तों, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना कर दे दूँगा। अदरवाइज़ आपका ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा तो वहीं पर मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए दोस्तों, करते वीडियो को शुरू। दोस्तों, जैसे कि मेरा मोबाइल का डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखिए, मैंने अपना YT स्टूडियो पहले तो ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने YT स्टूडियो को ओपन किया। मैं आपको आसान जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली अभी चले जाते हैं एंड वीडियो में आपको जो भी वीडियो आप अपलोड किए हैं आपका सारा वीडियो यहाँ पे शो होता है। सिंपली उस वीडियो के इस तरह में इसमें क्लिक करना है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये ओपन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक पेंसिल का ऑप्शन आएगा दोस्तों, देख सकते हैं ये पेंसिल का ऑप्शन आया, ठीक है, इसके अंदर आपको चले जाना है, इसके अंदर चले जाना है, थोड़ा स्लाइड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको शो हो रहा होगा ऑडियंस, यहाँ पे देख रहे हैं नो इट्स नॉट मेड फॉर किड, है ना, यहाँ पे आपका ये रहेगा दोस्तों, यहाँ पे रहेगा ये आपका यस इट्स मेड फॉर किड। तो इससे आपका जो यूट्यूब चैनल वीडियो रहेगा तो आपका जो कमेंट बॉक्स रहेगा वो डिसेबल हो जाएगा, मतलब बंद रहेगा, कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको ये वाला ना करके आपको इसको इनेबल करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना दोस्तों एंड बैक करके आपको सेव कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका यूट्यूब चैनल जो वीडियो होगा उसमें कोई भी आराम से कमेंट कर सके, तो आपको पता भी चल सके कि आपका यूट्यूब चैनल में कमेंट आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आप सभी को मैं दूसरा स्टेप बताने वाला, तो आपको दूसरा स्टेप के लिए क्या करना होगा, आपको अपने क्रोम ब्राउजर का YT स्टूडियो को ओपन कर लेना दोस्तों। अगर आपको YT स्टूडियो ओपन करना नहीं आता तो मेरे पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप अपने YT स्टूडियो को क्रोम ब्राउजर में किस तरह से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वीडियो को यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं YT स्टूडियो। तो यहाँ पे सिंपली आपको जिस भी वीडियो का आपका कमेंट बॉक्स ऑफ है, ठीक है, उसको यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर लेना एंड फिर से यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा आपको, तो पेंसिल का आइकन में क्लिक करना है एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जब कंप्लीट हो जाता है थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं सो मोर, ठीक है, यहाँ पे सो मोर है, तो पहले यहाँ पे क्लिक कर लेना आपको। अब इसको स्क्रॉल करना है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो आपका जानते हैं कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे अभी मैं कलर चेंज कर लूँ तभी आपको बता सकता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यस इट्स मेड फॉर किड रहेगा, इसको यहाँ पे क्लिक ना करके आपको यहाँ पे नो इट्स मेड फॉर किड यहाँ पे कर लेना है, ठीक है, और आपको नीचे लेते आना एंड आपको इसको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ सेव वाले ऑप्शन में सेव कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो यूट्यूब चैनल का वीडियो होगा उसमें आपका कमेंट बॉक्स जो होगा वो इनेबल हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ अगर आप चैनल में न्यू होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो उसमें भी जाके फॉलो कर लीजिएगा, साथ साथ मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, अगर आप ब्लॉग पसंद करते होंगे तो ब्लॉग चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अदरवाइज़ मेरा यहाँ पर 4 वीडियो शो हो रहा होगा दोस्तों, अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है आपके YouTube चैनल में तो इसको देख लीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अदरवाइज आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।